पर हम लोग, मेरी दुकान है और मेरे भाई साहब का मकान भी है। यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा गड़ा पड़ चुका है कि कोई भी फैमिलीज के साथ जा रहे हैं या फिर बच्चे, कोई कम उम्र वाले छोटे बच्चों को बैठा लेके जा रहे हैं तो कई मर्तबा गिर चुके हैं, क्योंकि दुकान मेरे सामने है, गड़े के सामने बिल्कुल मेरी दुकान है। कई मर्तबा हम लोग उठाए हैं करे हैं और दो तीन वक्त हम लोग हमारे इधर से उधर से पूरे बच्चे मिलके दुकान गड़ा बंद करने का पूरा पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं। तीन वक्त अब तक बंद कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर इतना गहरा गड़ा पड़ चुका है। और ये गड़ा रहने की वजह से क्या हो रहा है, गाड़ियाँ साइड से आने की कोशिश कर रहे हैं, साइड से आने की वजह से बच्चे एकदम बाहर निकल रहे हैं कर रहे हैं। हमको ये डर है कि कहीं कुछ बड़ा हादसा ना हो जाए, तो हम यहाँ दबन गुजारिश कर रहे हैं कि जो भी इसके जिम्मेदारान हैं उन लोग थोड़ा बहुत तवज्जो लेके ऐसे गड़े, ये एक ही नहीं, यहाँ से आपको पेट्रोल पंप तक तीन चार गड़े हैं, वन टाउन करने से लेके पूरा पेट्रोल पंप तक। तो ज़रा हमारी अदबन गुजारिश ये है कि ये गड़े अगर बंद करा दें तो ये एक्सीडेंट से भी बच सकते हैं और हमारे गाड़ियाँ भी जो है टू व्हीलर्स फोर व्हीलर जो भी ख़राब हो रहे हैं ये भी आप लोग बंद करा दिए तो हमारे को बहुत मुफीद रहेगा। घर के सामने रोड पे गड़ा पड़ा हुआ हाईवे रोड है, फिर भी कोई इसको तवज्जा नहीं दे रहे। जो भी जिम्मेदार है ये रोड के, इस गड्ढे को जल्द अज जल्द बंद करे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। मेरे घर के अपोजिट में बच्चे भी रहते हैं, गाड़ियाँ घर के सामने से जा रहे हैं और एक बाजू घर वाले भी है, वो लोग भी परेशान है। फिर भी इसके जिम्मेदार कौन है कि ज़रा इस गड्ढे को जल्द अज जल्द बंद करने की कोशिश करें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी होगी। आप जल्दी से जल्दी आप देख भी सकते हैं और घर भी है, आप आके भी इंक्वायरी भी कर सकते हैं, घर के सामने गड़ा है बड़ा, और ऐसा तो जल्दी से जल्दी बंद करें तो अच्छा रहता। आप तो इसके जिम्मेदार कौन है क्या है हमारे तो नहीं मालूम। हाईवे रोड है, हाईवे रोड के सामने गेट है अपना, गेट के सामने लारी बड़े बड़े ट्रैवल्स जाते रहते हैं, जब सडनली कोई बाहर आ कुछ भी होगा तो इसके जिम्मेदार कोई भी नहीं होते। इसलिए आपका जितना भी हो सके जल्द अज जल्द इस गड्ढे को बंद करें तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जो भी जिम्मेदार है इस रोड के। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।